हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो यह संख्या कितनी होती? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या फिर चार जोड़ी? तो उत्तर आप लोग देखिएगा, स्कोरिंग करते जाइएगा। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, 9621819209। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमारे कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है, यहां पे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा। जैसे ही आप स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे, आपको सभी नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी एड कर दिया जाएगा। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी हो जाएगी? यहां पे दो जोड़ी हो जाएगी। क्या राइट आंसर किसके साथ में रिलेट कर जाएगा? यहां राइट आंसर तीन जोड़ी के साथ में हो जाएगी। जिसने भी क्लिक किया सी ऑप्शन, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी उत्तर के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रम रूप परिशोषिका भाग है, क्रम रूप परिशोषिका भाग किसका है? क्षुद्रांत का है, वृद्धांत का है, सीकम का है या फिर कोलन का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका एनाटॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिए गए। सीकम से रिलेट कर जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का करेक्शन आप लोग को देखने के लिए यहां पे मिलेगा, और अपने 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण या फिर डी ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, उत्सर्जन। कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? 3 का राइट आंसर किसके साथ रिलेट कर जाएगा? और मॉक टेस्ट नंबर आपका जो भी चल रहा है आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करके बताइएगा। 3 का राइट आंसर चला जाएगा आपका लैंगिक लक्षण के साथ में, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सी उत्तर राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, 4 नंबर। मनुष्य में कृंतक या फिर छेदक दांतों की संख्या होती है, ये कितनी होती है? 8 होती है, 4 होती है, 6 होती है या फिर 12 होती है? मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या बताना, 4 नंबर राइट आंसर। 8 हो जाएगा क्या? 8 के साथ में रिलेट कर जाएगा, जिसने भी ए ऑप्शन क्लिक कर दिया उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और अपने 4 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चंस आपके टीजीटी के एग्जाम में आने हैं, और आपके एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं डेट का, तो डेट का इंतजार ना करिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, एग्जाम चाहे जब कराया जाए। अप्रैल में एक्सपेक्टेड डेट है कि अप्रैल तक हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना है, आने वाले समय का इंतजार नहीं करना है, जिससे आप लोग आने वाले टाइम में रिविजन पे रिविजन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है दाहिने अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या फिर दाहिने निलय में? 5 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहां से आता है? बाएं अलिंद में आता है। राइट आंसर यहां पे बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, फुसफुस धमनियों में से शुद्ध अशुद्ध रुधिर चला जाता है, हृदय में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में जाता है, फिर दाएं अलिंद में जाता है? एनाटॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहां में मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों के साथ में, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, बी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, यकृत परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसी अम्ल में या फिर अमोनिया को नाइट्रोजन में? यकृत परिवर्तित करता है किसको, किसमें परिवर्तित करता है? 7 नंबर पे आइए आप लोग, 7 नंबर का क्या ऑप्शन होगा? स्कोरिंग तुरंत करिएगा, आपको अगर 4 वीडियो मिलती, 3 वीडियो मिलती, 2 वीडियो मिलती, आप स्कोरिंग करते जाइएगा। आपको स्कोरिंग से आपको मेहनत करने के, कितनी मेहनत करनी, कहां पे हमारी फॉल्ट हो रही, उस फॉल्ट को आप सुधार सकते हैं। राइट आंसर 7 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया को यूरिया में। और टीजीटी में जो ग्रेड पे आपको मिलता है, उसमें सैलरी स्टार्टिंग होती 55,000 यानी 60,000 के आसपास आप लोग को सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा 8 नंबर, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथ है, कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? प्रोटेस्ट
प्रो स्टेक्स पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है, पेरिनियल पाई जाती है, या फिर जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है नर में, यानी मेल्स में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। उत्तर किसके साथ में रिलेट कर जाएगा, यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ए आंसर के साथ में रिलेट करेगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया 9 नंबर। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है, किसका रूपांतरित रचना है, श्वेत ग्रंथि का, रेल ग्रंथ का, या फिर लार ग्रंथ का, या फिर जठर ग्रंथ का। 9 नंबर एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां पे मिल रहे हैं। राइट आंसर किसके साथ रिलेट करेगा, श्वेत ग्रंथ के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। और जिसको भी ये क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपनी स्कोरिंग करते हैं, उनके फुल टू फुल मार्क्स आने चाहिए। जिसको सभी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको लगता है कि वीडियो बहुत आसान है, उसके फुल टू फुल मार्क्स आने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। और जिसके गलत हो रहे हैं वो, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप लोगों को घबराना नहीं है कि इतना सिलेबस है कितने जल्दी में खत्म होगा, कितना पढ़े, क्या ना पढ़े, क्या करना है। तो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी है, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी स्कोरिंग भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एग्जाम में आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के जाएगा, क्योंकि यहां जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या फिर वृद्धि में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 10 नंबर। राइट आंसर किसके साथ रिलेट कर जाएगा, यहां पे ए बी सी डी, सी हो जाएगा क्या सही आंसर, यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, पाचन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आहार नाल के सी के आकार की संरचना है, जो आहार नाल होता है उसके सी के आकार की संरचना है क्या, आमाशय, ग्रहणी, श्वास नाल, क्रम रूप, परिशोषिका। 11 नंबर राइट आंसर किसके साथ में होगा, यहां पे उत्तर तुरंत क्लिक करिए आप, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, अगर आसान आपको लग रहा है तो तुरंत क्लिक करिए, और जिसको नहीं आता थोड़ा सा आप रुक के अच्छे से समझ के तब आंसर को क्लिक करिए, आपका आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा श्वास नाल के साथ में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है, 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा नोट्स के साथ में, आपको तुरंत पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे पेड ग्रुप में आप लोगों को मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। तो राइट आंसर यहां पे पता चल गया 11 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रत्येक मनुष्य, यानी मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या होती, चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, या फिर 8 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या बता देना है, तो ये कितनी होती है, तो 6 हो गए। यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा यहां पे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, कौन सा मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, त्वचा है, फेफड़े हैं, आहार नाल है, या फिर वृक्क है। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोमेन संपुट भाग है। अब बोमेन संपुट भाग है किसका, पित्त वाहिनी का, अग्न्याशय वाहिनी का, प्रोटेस्ट ग्रंथि का, और डी ऑप्शन है वृक्क नलिका का, बोमेन संपुट भाग है। 14 नंबर, किसका भाग है ये बोमेन संपुट, राइट आंसर बताइए, आपके साथ में रिलेट करेगा डी ऑप्शन, जिसने भी क्लिक कर दिया है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी उत्तर के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, जो आहार नाल का पेशीय संकुचन होता है उसको क्या बोला जाता है, क्रमानुकुंचन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं, या फिर अवशोषण बोलते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है क्रमानुकुंचन हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां इस वीडियो में मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चंस में 25 25 दो वीडियोस में दे दिए जाएंगे। इस वीडियो में 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिट एप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, सिट एप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर, या फिर लवणों पर, या फिर राइट आंसर इसका 16 नंबर का किसके साथ में होगा, सही ऑप्शन तुरंत बताइएगा। 5 सेकंड का आपको मात्र टाइम देते हैं, 5 सेकंड में क्लिक करिएगा, और अगर वीडियो फास्ट लग रही तो वीडियो के क्वेश्चन को पॉज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन समझ के आंसर दीजिएगा। तो उत्तर यहां पे क्या होगा, यहां पे वसा के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आ गया है आपके लिए,
ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, दो होता है, शून्य होता है, चार होता है, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आठ। यहां पे आंसर किसके साथ रिलेट करेगा, ए बी सी डी, दो शून्य चार या फिर आठ, 17 नंबर ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, दो हो जाएगा, यहां पे सही ऑप्शन है ए ऑप्शन के साथ में उत्तर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है, रुधिर जो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, सिराएं ले जाती, महाशिरा ले जाती, दया नीलाय महाधमनी, 18 नंबर राइट आंसर महाधमनी होगा, दया नीलाय होगा, महाशिरा हो गया, फिर सिराएं हो जाएगा। क्लिक करिए एबीसीडी में से सही ऑप्शन डी ऑप्शन, जिसने भी क्लिक कर दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर के साथ में, महाधमनी इसका सही उत्तर होगा। एंड सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है कौन सा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा, विटामिन सी राइट आंसर। यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, संतरा हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड के साथ में रिलेट करता है, स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन से रिलेटेड वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसकी प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रावी जालिका में। 20 नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोशिका द्रव्य हो जाएगा क्या, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, आपने ए ऑप्शन क्लिक किया, आप सभी का आंसर सही है, आप लोग यूनिक है, आप लोग पढ़ने में बहुत तेज है, आप लोग का माइंड बहुत तेज है, बस जल्दबाजी में आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, उसी जल्दबाजी को आपको सही करना है, आपको क्वेश्चन देख के आंसर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन सा, फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, पेलाग्रा है, एनीमिया है, बेरी बेरी है, डर्मेटाइटिस है, इसमें 21 किसके साथ में रिलेट किया जाएगा, चार ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिएगा उसके बाद आंसर क्लिक करिए, आंसर कौन सा होगा, प्रोटीन हो जाएगा क्या, सॉरी पेलाग्रा होगा, एनीमिया होगा, बेरी बेरी होगा, डर्मेटाइटिस होगा, या 21 राइट आंसर यहां पे एनीमिया के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, बी उत्तर के साथ में आंसर रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिकल एजुकेशन की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो यह क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, एग्जाम्स में आया हुआ है। अग्न्याशय रस किसके पाचन में सहायक होता, प्रोटीन, प्रोटीन व वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। 22 राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट करना है फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिए। आप जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपका वेरिफिकेशन करने के बाद तुरंत नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, साथ में आपको पेड ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यकृत स्रावित करता है, लार जठर रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस, यकृत स्रावित करता है। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। 23 किसके साथ रिलेट कर जाएगा, यहां पे क्या होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, पित्रस के साथ में रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर पर मूव कर जाता है, स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी होगा क्या, बहुत अच्छे आप लोग क्लिक कर दिए हैं, आंसर सी हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25, इसके बाद अभी आपको जस्ट इसके बाद 26 से 50 तक की सीरीज भी मिल जाएगी। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है, प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसा पर या फिर लवणों पर। राइट आंसर 25 किसके साथ में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा या वसा हो जाएगा, दो ऑप्शन में से तुरंत आप लोग क्लिक करिए। 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25, बी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स पर, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में अपने 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट
मिल सके जितने लोग फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। और नोट्स जिसको भी प्राप्त करना है तुरंत कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकता है 9621819209। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा 500 रुपीज का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।